तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिनोवा विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 22-26 सेशन में FYUEP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे अपने परीक्षा दे चुके हैं और अपने देखिए रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, साथ ही साथ आप सभी बच्चों को देखिए सेमेस्टर 3 के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या पेपर पढ़ने पड़ेंगे उसका जो लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल में मिलते रहे। देखिए सबसे पहले ये नोटिस देखिए पहले ही आया हुआ था अखबारों में कि विभावी कुलपति से जो कह सकते हैं जो छात्र सेवा संघ जिसे NSUI के नाम से जाना जाता है वो प्रतिमंडल मिला। अब इसके तहत देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों को जो इंपॉर्टेंट वो बात है वो यहाँ पर मार्क किया गया कि कॉलेजों को पहला सिलेबस नहीं भेजा गया। आपका सेशन देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें जो कोलांचल यूनिवर्सिटी हमारा ठीक है विनोद बिहारी महतो कोलांचल उसमें क्या चल रहा है, उसमें सेमेस्टर 2 का परीक्षा हो चुका है, अब सेमेस्टर 3 का होने वाला है। लेकिन आप सभी बच्चों का जो सेशन लेट चल रहा है, सेमेस्टर 2 का परीक्षा लेने को कहा गया था, स्नातक सेमेस्टर जो 22-26 का है और MEd का परीक्षा 2 महीना हो चुका है आपका लगभग, लेकिन अभी तक बताया गया है कि इसका परीक्षा परिणाम यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन जो कह सकते हैं परीक्षा बोर्ड के जो डायरेक्टर है आरके द्विवेदी के रिटायर होने की वजह से रिजल्ट जारी होने में देखिए देरी हो रही है। देखिए जब तक कोई बेसिकली अधिकारी नहीं रहेंगे तो कोई भी काम तो हो नहीं सकता और अधिकारी की नियुक्ति होना हमारे झारखंड में कह सकते हैं बहुत बड़ा काम होता है ठीक है। तो जल्द ही उम्मीद किया जा रहा है कि अधिकारी जब आएंगे तो आप सभी बच्चों को जो परिणाम यानी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष जो PhD ये तो छोड़ दिया आपका मैटर नहीं है, आपका मैटर देखिएगा कि देखिए जब तक हमारे कह सकते हैं एक अधिकारी नहीं है तो अधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर आपका सारा का सारा जो रिजल्ट बन के रेडी है लेकिन वो अपडेट होने में आपको समय क्या, क्योंकि वेबसाइट अपलोड करना है, लिंक एक्टिवेट करना है, बहुत सारा काम रहता है ना, तो ये सारा का सारा चीज़ उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा अगर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 3 में जाना है, मैं लिख दे रहा हूँ वरना आप सभी बच्चे कन्फ्यूज होते रहिएगा, अगर आपको सेमेस्टर 3 के रिजल्ट में अगर आपको पास यानी आपको जाना है तो आपके टोटल सेमेस्टर 1 और 2 मिला के टोटल 9 पेपर में आपको पास होना पड़ेगा। अगर 9 पेपर में अगर आप लोग पास है तो आप लोग सेमेस्टर 3 जा सकते हैं, वरना आपको रिजल्ट में देखिए 9 प्रमोटेड दिखा सकता है। तो जल्द ही आप सभी बच्चों को देखिए अभी तो नहीं मिलेगा लेकिन जनवरी के कह सकते हैं 2nd वीक तक आप सभी बच्चों को आपका जो रिजल्ट है बिना भाविक बच्चों यूनिवर्सिटी के बच्चों को उनका आपका जो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए पेपर कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, यहाँ पर यह PDF विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी द्वारा शेयर किया गया था। लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी या हमारे झारखंड का लगभग देखिए सब्जेक्ट सभी के सेम ही रहता है। अभी आपको दिक्कत हो रहा है, अभी देखिए विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के बच्चों को दिक्कत हो रहा है, आपको देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर दिक्कत आएगा। अब दिक्कत क्या होगा, देखिए आपको इस बार सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं, एक मेजर पेपर 4, एक मेजर पेपर 5। एक आपका जो पहले IRC का पेपर पढ़ते थे ना उसका नाम बदल के अब माइनर पेपर रख दिया गया ठीक है। इसमें देखिए बॉटनी वालों को बच्चों को 4 ऑप्शन दिया गया, अब आप इसमें से कोई भी एक उठा कर रख लीजिएगा, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 7 में सेम रहेगा ठीक है। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 में आपका सेम रहेगा तो आप उठा कर रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। MDC वाला पेपर जो रहेगा ना वो आपका सेमेस्टर 1 और 2 में आपने जो IRC चुना था उसमें मत रखिएगा, इसमें से रख लीजिएगा क्योंकि आपका हर बार MDC चेंज होगा, सेमेस्टर 1 में चेंज होने था आपका सेमेस्टर 1, 2 बार हो चुका इसलिए आप लोग बच चुके। इस बार एक बार चुन लीजिएगा MDC को अच्छा वाला पढ़ लीजिएगा, पास होएगा आपका MDC का झमेला खत्म हो जाएगा। सेक पेपर है या तो डिजिटल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा या तो मैथमेटिकल अपने पेपर पढ़ा हुआ है वही पेपर देखिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, या तो आपको कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी बोलेगा भाई आप लोग एनवायरमेंट वाला पेपर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं सर पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। AC आपका जो रहेगा वो या तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा या तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर कुछ भी दिया जाएगा तो आप लोग हिंदी इंग्लिश कोशिश कर रखने का क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर और गेस पेपर मार्केट अवेलेबल रहता है, तो अगर आप लास्ट टाइम ही पढ़ के जाइएगा तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा इसके लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा, ये साइंस का रहा, नीचे आएंगे हम लोग देखेंगे तो सोशल साइंस है, इसी तरह ह्यूमनिटीज़ है, कॉमर्स, इस प्रकार देखिए सभी का रहेगा। आपके वेबसाइट में देखिए सिलेबस अपडेट कर दिया गया और जो भी बच्चे देखिए जिनका सेमेस्टर 1 में फेल या प्रमोट लगा है उनका सेशन क्लियर कैसे होगा इस पर मैं जल्द एक सेशन लेकर आऊँगा आप सभी बच्चों का जिसमें डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, AC पेपर, सेक पेपर, टोटल 6 पेपर का आपका परीक्षा होगा। मेजर में 2 पढ़ने हैं, जिनका थ्योरी है थ्योरी है, जिनका प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल पेपर 100 नंबर का होगा। माइनर पेपर हो गया, MDC हो गया, सेक पेपर हो गया और AC पेपर हो गया, टोटल 6 पेपर का तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि जब रिजल्ट आएगा दिखा जाएगा, फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए ठीक है। तो ये कुछ अपडेट जो मैंने आपको शेयर कर दिए, आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।